नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की स्टूडियो में। आज जब बात करेंगे हिस्ट्री से जो रिलेटेड है, 10 प्रश्न जो एग्जाम्स कई बार आते हैं उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। आज के जो 10 प्रश्न है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया। तो जो सबसे पहला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की सिस्टर थी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अकबर नामा की रचना किसने की? तो अकबर नामा की रचना किसने की? अबुल फजल। क्यों ने की? अबुल फजल ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण। देखो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किन्हों ने किया? तो वह था 711 ईस्वी में, और उबैदुल्लाह ने किया था, ठीक है, सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, भारत पर सबसे पहले सफल मुस्लिम आक्रमण, यानी जो पहला आक्रमण और सफल मुस्लिम आक्रमण था वो हुआ था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, और ये लोग थे अरबी थे। कौन थे? अरबी, ठीक है। अब देखो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध क्षेत्र पर, ठीक है। तो 712 ईस्वी में हुए आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो उस समय सिंध का राजा था दाहिर सेन। कौन था? दाहिर सेन, ठीक है। एग्जाम से बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको काफी मददगार साबित होंगे। अब देखो मोहम्मद गजनवी के नेतृत्व में कुल कितने आक्रमण हुए? तो मोहम्मद गजनवी के नेतृत्व में कुल 17 बार आक्रमण हुआ, जिसमें से एक आक्रमण वो अपने सोमनाथ का जो मंदिर था उसका भी आक्रमण था, उसमें मतलब काफी सोना लूटा था वहां पर, ठीक है। तो कितने आक्रमण हुए? 17 बार, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध के किस क्षेत्र को जीता? देखो आक्रमण किया था सिंध पर, लेकिन सिंध के किस क्षेत्र को जीता? तो वो था देवल, ठीक है, देवल। उसके बाद में कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा राजवंश सुप्रसिद्ध है? यानी कहता कौन सा राजवंश जो अपने कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए सुप्रसिद्ध है? तो है चोल राजवंश। कौन सा? चोल राजवंश। और उसमें है बाद में जेजाद गुप्ति का प्राचीन नाम क्या था? तो वो था बुंदेलखंड। क्या था? बुंदेलखंड। और चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन, तो चोल राज्य की प्रमुख आय का जो प्रमुख साधन था वो था भूमिगत। कितना? कुल उपज का 1/3 भाग। अगर 3 बोरी अनाज होता है तो 1 बोरी अनाज राजा को देना होगा या प्रशासन को देना होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।